श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव पंडित जी के मुखारविंद से उपाय सुने। बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कटी ही नहीं रहा। थोड़ा ठीक होता फिर दुखाता, फिर ठीक होता फिर दुखाता। तो शिव और शक्ति का स्मरण करो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो दो बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर फिर जलाओ। तीन या चार सोमवार करके देख लो क्या जा रहा है महाराज। जैसे आप देवी के मंदिर में कुछ मिठाई लेकर जाते हैं ना, तो थोड़ी सी मिठाई अगर आप देवी के मंदिर के लिए लेकर गए हैं, कई लोगों की आदत में रहता है कि देवी के मंदिर में तुम जो मिठाई लेकर गए उसी में से हिस्सा निकालकर हनुमान को दे देते हो, उसी में से हिस्सा निकालकर भैरव जी को दे देते हो। बोलो यही करा कि नहीं करा? यही करा ना। अब ईमानदारी से बोलो, कि तुम्हारी मम्मी ने तुमको एक साड़ी दी, ठीक है, समझ लेना हो, और साड़ी तुमको दी, और दो बहन जिस गांव में तुम रहती हो उसी गांव में तुम्हारी दो बहनों रहती है, पता नहीं मम्मी ने कहा ला तोरी वो साड़ी ला जाए। अब साड़ी किसको दी थी? तुमको। साड़ी मंगवा के उसके दो टुकड़े और कर दिए, और टुकड़े कर वो दोनों बेटियों को दे दिए। तुम्हें कैसा लगेगा जम के बोलू जरा? अच्छा लगेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शंकर की उपासना करने जा रहे हो, देवी की उपासना करने जा रहे हो, राम की उपासना करने जा रहे हो, कृष्ण की उपासना करने जा रहे हो, भवानी की उपासना करने जा रहे हो, आप यदि किसी भी रूप में माता के मंदिर में, गणेश के मंदिर में, शिव के मंदिर में, जिस मंदिर में जा रहे हो, अगर लड्डू का चार भाग आप गणेश जी के लिए लेकर जा रहे हो, चार लड्डू अगर आप देवी जी के लिए लेकर जा रहे हो, तो आपके मन में ये भाव होना चाहिए घर से निकलते समय कि मुझे एक हिस्सा थोड़ा सा एक लड्डू अलग बांधू जो भैरवनाथ को दूंगी, एक लड्डू अलग बांधू जो मैं हनुमान जी को दूंगी, एक लड्डू अलग बांधू मैं श्री गणेश जी महाराज को दूंगी। क्यों? क्योंकि उसका फल जितने देवता के लिए घर से इच्छा लेकर, आकांक्षा लेकर, गिफ्ट लेकर, कोई वस्तु लेकर, कोई फूल लेकर, कोई सामग्री लेकर हम जितने देवता के लिए जाते हैं उतना ही फल हम हजार गुना लेकर आते हैं। पर तुम एक के लिए लेकर गई, उसी में से लड्डू बचा के गणेश जी को दे दिया, उसी में से लड्डू बचा के पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसी में से लड्डू लेकर तुमने ये देवता को दे दिया, उसी में से लड्डू लेकर वो देवता को दे दिया, अब इतने में सबको दे दिया। तो फिर यही तो सीधी बात है कि तुमने तुम्हारे वही 500 रुपए में से 20-20 रुपए ये भांजे को, 20 रुपए उस भांजे को, उस भांजे को, सबको दे दिए, तो फिर भाई पेरावनी भी एक ही लगेगी, भाई क्यों देगा? लेके तो तू 500 रुपए के इतने टुकड़े कर दिए तूने, वो 500 रुपए का तू भी रख ले, तू भी रख ले, तू भी रख ले। और जब मायरा भरने की बारी आई और मम्मी ने कहा छोरी का मायरा भरना है, सब छोरावन पैसा इकट्ठा कर, छोरावन ने भी कह दिया जब वो एक 500 का नोट में 10 हिस्सा कर दे तो मायरा तुम भरो, हम सब खड़े हो जाए हिस्सा सब। और अगर बहन को निभाना है, मायरा चारों भाई से भरवाना है, तो बहन को प्रेम भी चारों को लुटाना पड़ेगा। बहनों को चारों भाइयों के प्रति उतना ही प्रेम रखना पड़ेगा जितना एक के प्रति रखा। भैया कैसा है? बढ़िया, ले मैं भतीजों के लिए सामान लाई, तो भाई को लगेगा, भाभी को लगेगा, बताओ हर बार आती है जीजी कुछ ना कुछ लेके आती है। तो अगर आप माँ के भी दे कि सबको मायरा बनना है तो भी भाई कहेगा सुनो मेरी तरफ से मैं अलग से ले आऊंगा, सब सामान लाऊंगा, तुम्हें जो ले जाना ले जा। फिर जो दूसरा भाई कहेगा तुम चिंता मत करो मैं अपना ले आऊंगा, वो मम्मी तुझे जो करना कर हम अपना ले, तो सब अलग अलग देंगे। अब तुमने एक ही डब्बे में से सबको निपटाया तो भगवान ने भी एक ही दिया, ले 5,000 ले जा, दुकान चलेगी तो सरी जा, 10,000 रुपये कमा भी लेगा। पर तुम 10 ही कब तक कमाओगे रे? सारी सेवा तुम लोग कर लेते हो पर तुमको ईमानदारी से तो ना तो भोग लगाना आता है, ना सेवा करना आती है, और ना देवताओं से कुछ लेना आता। जिस दिन तुम शिव पुराण का एक एक क्रम सीख गए तो भगवान भी चक्कर में पड़ जाएगा, कितनी चतुर हो गई रे, बता आपकी बार डब्बा अलग अलग लाएगा, मतलब अब सब सबको देना पड़ेगा। अब अभी तक तो भगवान ही निपटा देते थे, चल एक जगह दे गई तो एक ही जगह कर दी। भगवान भी तो सोचे, अब भले थाली एक लेकर जाओ मना नहीं, पर उसमें अगर आप भैरव राज को दे रहे हैं, हनुमान जी को दे रहे हैं, गणेश जी को दे रहे हैं, पार्वती जी को दे रहे हैं, तो भाग थोड़ा लेकर जाए घर से ही, ये भाव लेकर जाए कि मुझे उस मंदिर में और भी देवता है, मैं तो सबको भोग लगा, मैं सबके लिए लेकर। जब समय आएगा तुम सबके लिए लेकर जा रही हो तो सब भी तो तुम्हारे लिए लेकर आएंगे, सब देंगे। हम सुनते हैं
करना भी चाहते हैं, पर कई बार कई माताएं कहती गुरुजी हम तो बहुत मेहनत करते जी, फल कुछ नहीं मिले। हमने कहा क्या क्या, हम तो खूब सेवा करें, अगरबत्ती भी लगाएं, धूपबत्ती भी लगाएं, इत्र भी लगाएं, शंकर जी के मंदिर भी जाएं, दो अगरबत्ती भी लगाएं, पानी भी चढ़ाएं, दो दही भी चढ़ाया, पर भोलेनाथ तो हमारा सुने ही नहीं। अरे कैसे नहीं सुने, उसके बराबर साधारण, उसके बराबर सरल कौन। चाहे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, चाहे घर के अंदर शिवलिंग रखो, छोटा शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए। हाँ, अगर किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है, किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, किसी मंदिर में शंकर का शिवलिंग विराजमान हो रहा है, तो जो जजमान शिवलिंग का निर्माण, जो जजमान प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, जो जजमान प्रतिष्ठा करने के लिए बैठा है, उस जजमान के 12 उंगल से बड़ा शिवलिंग होना चाहिए। अगर मंदिर में शिवलिंग है, कहीं बाहर अगर शिवलिंग है, तो यजमान जो पूजन करे उससे 12 उंगल बड़ा शिवलिंग। हाँ, 12 उंगल से और बड़ा शिवलिंग होगा तो वो कोई दिक्कत नहीं, उससे फल ही मिलेगा। पर मंदिर के अंदर देव पूजन के लिए जो मंदिर बनाए जाते हैं, उसमें 12 उंगल से अगर नीचे का शिवलिंग होता है तो वो श्रेष्ठता नहीं देगा। 12 उंगल से बड़ा शिवलिंग का फिर निर्माण करो महाराज, उससे बड़ा होगा चल जाएगा, उससे और बड़ा होगा चल जाएगा, और उससे छोटा जो जजमान प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, जो जजमान प्रतिष्ठा कर रहा है, तो पंडित भी कर देते हैं, ब्राह्मण चतुर कर देते हैं, ये शिवलिंग छोटा है, इतना बड़ा नहीं, उससे बड़ा होना चाहिए। जो यजमान पूजन करे उसको उसका फल मिले। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। धन्यवाद।